अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। रहमान रहीम, प्यारे बहन भाइयों, आज बहुत प्यारा अमल अल्लाह के कलाम का। अल्लाह का कलाम सबसे बुलंद है, कितनी भी मुश्किलें परेशानियाँ आएँ अल्लाह के कलाम से सिर्फ मदद हासिल करें। अल्लाह के कलाम के सिवा आपकी कोई मदद नहीं करेगा। मैं भी दुआओं का ज़रिया हूँ प्यारे बहन भाइयों। मदरसा फातिमा ज़हरा लिल बनात से आप मदद हासिल कर सकते हैं अगर आपसे अमल नहीं हो रहा ठीक से। अपनी मोहब्बत, अपने प्यारे, अपने मतलूब जिसके लिए अमल कर रहे हैं, मतलूब का मतलब होता है तालिब मतलूब, जिसके लिए, जो मतलूब के लिए अमल कर रहे हैं ना, उसको मुसख़र, अपना दीवाना अपने प्यार में मुसख़र करना और उसको हाजिर करना, उसके लिए ये अमल है। हाजिर का मतलब आप थोड़ा गौर से समझ लें। हाजिर का मतलब ये है कि जब कोई हमें ब्लॉक कर देता है, स्टॉप कर देता है। बहुत से बहन भाइयों की यही बात है कि हमें आईडी से ब्लॉक किया, हमें बंद कर दिया, हमसे नाराज़ हो गया, जैसे फेसबुक हो गया या व्हाट्सअप हो गए, ठीक है। तो उनके लिए ये अमल है, ख़ास उनके लिए अमल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ख़ास अमल। ज़ुकात इस पर कुछ भी नहीं है। वक़्त फजर, पाक वक़्त, दिन के तलू होने का वक़्त फजर, दिन इसमें कोई भी नहीं है, बस नमाज के टाइम का ख्याल रखें, कज़ा ना करें, लेट ना करें। दुरूद पाक एक बार, नमाज लाजिम है, अमल की तादाद 81 बार, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह को पढ़ना कैसे? तस्वीर को देखते हुए बिस्मिल्लाह को पढ़ना है, तस्वीर को देखते हुए बिस्मिल्लाह को पढ़ना है। जब बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो शुरू अल्लाह के नाम से, सिर्फ शुरू अल्लाह के नाम से, जो इनायत मेहरबान, रहम करने वाला है, दुख तकलीफ़ों को समझने वाला है, दुख तकलीफ़ों को सुनने वाला है, तो आप ये अमल शुरू करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने यानी कि आजजी इख्तियार करने में तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। तो अल्लाह पाक के आगे झुकने से ना आपकी इज्जत कम नहीं होगी, ठीक है। अल्लाह पाक का कलाम पढ़ के उससे माफ़ी तलाफ़ी करने से इज़्ज़त कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बिस्मिल्लाह का अमल, अगर आप किसी को चीज़ खिला सकते हैं मीठी, तो उस चीज़ पर 81 मरतबा दम करें और वो चीज़ उस बहन है या भाई उसको खिला दें, वो आपको खुद ब खुद कॉल भी करेगा, ब्लॉक भी ख़त्म कर देगा और मुसख़र हो जाएगा। फूल अगर आप पेश कर सकते हैं तो फूल पर दम कर दें, खुशबू अगर आप ले सकते हैं तो खुशबू पर दम कर दें। अब तस्वीर को इस्तेमाल करने का तरीका समझ लें। देखें, जब तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे ना, तो तस्वीर को आपने क्या करना है, तस्वीर को 10 मिनट देखें, एक तस्वीर कायम करें, कैंडल को सामने रखें, तस्वीर देख के तस्वीर को क्लोज़ कर दें, बंद कर दें, अगर मोबाइल पर देख रहे हैं तो क्लोज़ कर दें, कैंडल को देखें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। कैंडल की ये जो लो है, ये देखें, ये लो, ठीक है, ये तो आरटी है ना, तो ये मतलब कि जो असल होगी ना, जो नेचुरल होगी, उसमें ये लो आग की होगी। तो फिर ये सिर्फ़ समझाने के लिए एक मतलब कि मंगवाया गया है पैटर्न। तो ये सिर्फ जब आप रेल करेंगे ना, तो फिर उसकी लो आग की होगी। बस आपने उस लो में देखकर बिस्मिल्लाह को पढ़ना है 81 मरतबा। फिर जब आप सारा अमल कर लें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, तो फिर आपने ना तस्वीर पे दम करना है, ठीक है, तस्वीर पर दम करना है। ये आपका, अगर आप नहीं कोई चीज़ खिला सकते, तस्वीर पर दम करें। अमल 3 दिन करना है, अमल 3 दिन करना है। फूलों पर दम करें, खुशबू पर दम करें, ये अतर है, ऐसा ले लें, कोई सा भी अच्छे वाला ले लें, आपने इसको दम करना है, इसके कैप को उतार दें और दम करें। खुशबू पर भी दम कर सकते हैं। अब खुशबू को लगाने का तरीका, जुम्मतुल मुबारक को खुशबू लगाएं, यही खुशबू आपने लगानी है, देने का भी छोड़ दें, किसी को देने से भी मतलब कि दे नहीं पा रहे, दूर हैं, समुंदर पार है, तो फिर इस खुशबू को जुम्मतुल मुबारक को ख़ुद लगाएं,
यकीन माने उसकी इतनी महक से, इस खुशबू की महक से उसका दिल खुद ब खुद आपके लिए मुसख़र हो जाएगा, दिमाग उसका मुसख़र हो जाएगा। जब हवा में उसके पास भी वही हवा चल रही है जो आपके पास चल रही है, अल्लाह ने हवा को एक ही तरह का रखा, ठीक है, तो वो पहुंच जाएगी, आपकी आवाज़ उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा तवक्कल बड़ा मज़बूत है, हमारे रब से मिलने का तवक्कल बड़ा मज़बूत है। अमल से इतना ज़्यादा कभी, मतलब कि अमल के बारे में इतना ना सोचें जितना रब से आप बात कर रहे हैं उसके बारे में सोचें। आपका काम तो वैसे ही एक दफ़ा में हो जाएगा, एक बार में ये अमल करें, सिर्फ एक बार ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपकी मुश्किल आसान। तीन दिन ये अमल करें, तीन दिन दम करें, जुम्मतुल मुबारक को ये लगा, इतवार को करें, ठीक है, बेशक इतवार को शुरू कर ले, अगर फ़र्ज़ करें आपने अतर का इस्तेमाल करना है, जुम्मतुल मुबारक आना है, तो फिर अब बुध को, जुमेरात को, जुम्मतुल मुबारक को अतर लगा लें, ये भी आप कर सकते हैं। अब कैंडल का तो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, और फूलों पर दम करना है वो आपके लिए मुनासिब है, एक दिन फूल पर दम करें तो दे दें, ठीक है। तो प्यारे भाई और प्यारी बहनों, परेशानी हो, हर चीज़ का अल्लाह पाक ने जो है इस हर चीज़ का नेमो बदल ज़रूर रखा है, हर चीज़ को अल्लाह पाक ने बनाया है, आपके दिल को भी, उसके दिल को भी, तो वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, कोई बात समझ ना आए एक दफ़ा ज़रूर पूछें ताकि आपकी मदद की जाए। ये मदरसा है फातिमतु ज़हरा लिल्बनात, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, या अमल करवाना चाहते हैं, या अमलियात सीखना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक ऐप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी, कंट्री मौजूदा, और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं, जज़ाकअल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फ़न या इंटरटेनमेंट नहीं है, अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं, उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती, जज़ाकअल्लाह।